यूपी में संभल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि चंदौसी कोतवाली इलाके के तेग बहादुर कॉलोनी में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर में 3 लाशें मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ये तीनों लाशें घर की महिला, उसके देवर और एक नौकरानी की है। घटना के बाद मौके पर मुरादाबाद रेंज IG भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल घर की हालत देखने से लगता है कि घर में लूट के बाद ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली इलाके के तेग बहादुर कॉलोनी का है, जहां लगभग 2 दिन से एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर का दरवाजा बंद मिला तो पड़ोसियों ने घर के अंदर झांककर देखा। जैसे ही पड़ोसी घर की तरफ बढ़े तो घर के अंदर से अजीब सी स्मेल आई, जिसके बाद पड़ोसियों ने मिलकर इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो अंदर का मंजर देख सब हैरान रह गए। घर के अंदर 3 लाशें पड़ी थी, जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर की पत्नी संतोष कुमारी, उनका देवर केशव और घर में काम करने वाली एक नौकरानी की थी। घटना की सूचना जैसे ही आस पड़ोस को लगी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि तीनों की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। मृतक महिला की गला रेत कर तो उसके देवर के सर को लोहे के रोड से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया है। वहीं नौकरानी की गला रेत कर हत्या की गई है। फिलहाल मौके पर मुरादाबाद रेंज IG ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उससे लगता है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है। वहीं जिस तरह से घर के सारे दरवाजे टूटे पड़े हैं, घर की अलमारी और सामान तितर बितर पड़ा हुआ है, उससे ये भी आशंका जताई जा रही है कि घर में लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस अभी लूट की घटना को मना कर रही है, लेकिन घर की हालत देखकर लगता है कि किसी तरह की लूट को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे IG और संभल पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जानकारी जुटाई है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एक एंगल से मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से घर के अंदर 3 लोगों की बड़ी बहनामी से मारा गया है, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं बता दें कि कई साल पहले रिटायर्ड इंस्पेक्टर निर्धन हो चुका है। उनके घर में कई सालों से उनकी पत्नी संतोष कुमारी, उनका भाई केशव रह रहा था। घर की साफ सफाई और घरेलू कामकाज करने के लिए घर में एक नौकरानी भी रहती थी। घर की स्थिति देखकर लगता था कि पहले तो आरोपियों ने बड़ी बहरहमी से हत्या की है और उसके बाद घर में लूटपाट मचाकर फरार हो गए। वहीं पुलिस को शक है कि आरोपी और कोई नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है या कोई रिश्तेदार है, जिसने किसी वजह से यह घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेज दिया है और जांच में जुट गई है। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर कॉलोनी है चंदौसी जिला संभल में, यहाँ भी 3 बॉडीज मिली है। अभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। साइन ऑफ फोर्सफुल एंट्री अभी कोई दिखाई नहीं दी है। मोटा मोटा प्रथम दृष्टया लगता है कि कोई पहचान का या कोई ऐसा रहा होगा जो अंदर आया है। अभी जैसा परिवारिक सदस्य बात बता रहे हैं, अभी उनसे बातचीत की जा रही है, तो उसकी बेसिस पे विवेचना की जाएगी। फॉरेंसिक टीम्स और अन्य टीमें हैं जो अभी यहाँ आके ज़रूरी एविडेंसेस पिकअप करें।